हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ डिजिटल थर्मामीटर का, जो कि कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है आजकल। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज इसकी मशीन का पूरा यूज़ बताने वाला हूँ, उसके फीचर्स, उसकी गारंटी, वारंटी, प्राइसिंग, कहाँ से वो अवेलेबल होगी आपको। सो वीडियो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इस मशीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सके, उन्हें भी नॉलेज हो सके कि इस मशीन को कैसे यूज़ करना है और कैसे ये मशीन अवेलेबल हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यही है वो मशीन जिसके बारे में बहुत बात कर रहा था। सो उसकी पैकिंग कुछ ऐसे है, और अभी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ उसकी प्राइसिंग और सब कुछ लिखा हुआ है मैनुफैक्चरिंग। सो उसकी जो प्राइसिंग इस पर लिखी है, MRP वो लिखी है 7,499, और वारंटी जो है वो 1 ईयर की है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहीं हरियाणा की दे रखी है। सो गाइस, ये इसकी MRP 7,000 के आसपास है, बट ये मिली, मेरे को मिली है 6,000 अराउंड। तो चलिए अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये बॉक्स अभी मैं इसे ओपन करके दिखा रहा हूँ। बॉक्स के अंदर ये मशीन है, और इसके साथ में बस इसका वारंटी कार्ड है, और बॉक्स में कुछ नहीं है। ये मशीन को निकाल दो। सो जो मशीन है वो कुछ ऐसे दिखती है, ये सामने स्क्रीन है, और इसके ये बटन दे रखे हैं यूज़ के लिए, और जो इसमें सेल लगेंगे वो आगे से लगेंगे यहाँ से। तो जो सेल है वो आपको अलग से लेने पड़ेंगे, मैं सेल दिखा देता हूँ। जो सेल लगेंगे वो लगेंगे ये पतले वाले, दो सेल लगेंगे इसमें। सो इसमें एक चीज़ और है कि एक सेल इसमें उल्टा डालेगा और एक सेल सीधा डालेगा। तो जैसे कि एक वाले में आपने सेल सीधा डाल दिया, और फिर दूसरे में सेल आपको उल्टा डालना है। ये बंद हो गया, अब इसे चालू करके दिखाता हूँ। ये आगे वाला आपको प्रेस करना है तो ये चालू हो जाएगी। ये देखिए चालू हो चुकी है। चलो मैं इसे आपको यूज करके बताता हूँ। सो भाई, यहाँ पे मेजरिंग रेंज दे रखी है 32 डिग्री सेल्सियस से 42.9 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि अगर 32 से 38 तक अगर आपका टेम्परेचर होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 38 से ऊपर पहुंच जाता है तो समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम है कुछ, या कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, चांसेस हैं। सो देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 32.8 दिखा रहा है, और ये बटन प्रेस करने के बाद ऊपर वाला यहाँ पे आपको लाइट जलेगी। ये देखिए, ये ब्लू कलर की लाइट जलती है, और ये नीचे अलार्म का बटन भी है कि अगर आपका 38 से अगर ऊपर जाता है तो ये अलार्म बजने लग जाएगा। सो भाई, अगर इसको आपको जैसे अभी ये 32.8 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, अगर इसको आपको फ़ारेनहाइट में करना है तो आपको जो अलार्म वाला बटन है इसको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो देखिए, ये हो गया, अब फ़ारेनहाइट में हो गया, जहाँ पर दिखाया ऐप लिखा होगा तो ये फ़ारेनहाइट में हो गया, और उसको दोबारा चेंज करना 3 सेकंड के लिए, दोबारा होल्ड करके रखिए, अब ये डिग्री सेल्सियस में आ गया। सो अब इसमें जो साइड के बटन दे रखे हैं दो, एक लेफ्ट और राइट में, वो है जो आपका डाटा इसमें सेव है कि आपने कितने इसमें स्कैनिंग कर रखी है, वो आपको बताएगा। यहाँ पर 32 दिखा रखा है, और चेंज कर दीजिए और जाएंगे 31 हो गया, मतलब ये अलग अलग लोगों के टेम्परेचर बता रहा है कि कितने हमने लोगों के टेम्परेचर करे हैं, उनके ये सेव हैं 24 25। तो ये सबके 1 2 3 करके जितने भी लोगों को हमने टेम्परेचर स्कैन किया है उनके अलग अलग करके सबकी स्कैनिंग बता रहा है। सो जो इसमें दूरी होनी चाहिए स्कैनिंग करने की, वो कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर का फ़र्क होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए आपके हाथ से और वो मशीन तक का। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे स्कैन करनी है। अब तो जो ये आगे वाला बटन है इसको प्रेस करके रखना है, तो ये आगे अब इसमें आ गया टेम्परेचर। अब मैं आपको अपने हैंड से करके बताता हूँ। अब जो आगे वाला बटन था उसको प्रेस करके रखना है, अभी टेम्परेचर मेज़र करेगा। तो देखिए, जैसे ये मैंने अपना हैंड ले रखा, तो अब ये दिखा रहा है 36.6 डिग्री सेल्सियस, तो ये स्कैन हो चुका है।
सो गाइज, ये थी वो पूरी वीडियो जिसमें आपने देखा कि कैसे मशीन को यूज़ करना है, क्या उसके यूजेस हैं, फीचर्स हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।